झरिया कोयलांचल में जगह जगह पर रात भर गूंजता रहा माता रानी का जयकारा। पूरे कोयलांचल वासियों आस्था में मगन दिखे। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी के आगमन में झूम उठे कोयलांचल वासी। जहाँ जहाँ माँ दुर्गा की पूजा हुई, वहाँ वहाँ माता रानी का जागरण हुई। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विश्व शांति कल्याण के प्रति और सभी का काम मनोकामना मंगल के लिए माँ का 19वां वर्ष ये जागरण ज्वाला के रूप में माँ जो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दी है उसी का फ्लच में ये मनाया जा रहा। कितने वर्ष से मनाया? 19वां साल। कहाँ कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं? श्रद्धालु लोग तो जैसे नगर के तो है ही, बाहर के भी लोग आते हैं, रांची है, टाटा है, बाहर बाहर से आनंद मिल जाते हैं। इस मंदिर का क्या कुछ अति बताइएगा? इस मंदिर का माँ अपरूपी में यहाँ ज्वाला देकर दर्शन दी है। ऐसे तो माँ जो चेचक के रूप में उस समय से आई, तो बोले कि हम यहाँ पूरे दिन बंधु दलित नारायण का सबका पीड़ा हरण दूर करेंगे, और तब से जो है माँ का चल रहा है। साल में दोनों नवरात्रा होता है माँ का। अन्य दिनों इस तरह श्रद्धालु कहाँ कहाँ से यहाँ मंदिर में आते हैं? सभी जगह बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। डाल्टनगंज हो गए, कलकत्ता हो गए, रांची, पटना, टाटा, सभी बम्बई तक के आए हैं। आज जागरण का कार्यक्रम करा रहे हैं, कहाँ से गायक लोग बुलाए हैं? ये कतरास के सब हैं। कतरास से? कतरास से कुछ कलकत्ता का भी इसमें कलाकार लोग भी हैं। जागरण का मुख्य अतिथि गेस्ट कौन आए हुए थे? पीएन सिंह आए थे संसद, और हमारे पार्षद जो हैं वो आए थे आपका विक्रमा यादव। मैंने खुद सहयोग आप लोग कौन किया? पार्षद झरिया, डिगोडी, पाथरडी अन्य जगहों पर माता रानी का जागरण रात भर चलता रहा। माता रानी का जागरण का शुभ आरंभ 8 बजे से शुरू किया गया। यहाँ वर्षों से पूजा हो रही है। मैं यहाँ 3 साल से हूँ, लगभग 28 साल से पूजा हो रही है। यहाँ पर नवरात्रि का जो पूजा होता है आपका बसंत में होता है, चैती दुर्गा पूजा वो भी होता है, और यहाँ पर जो हम लोग का जाड़े में जो पूजा होता है वो भी होता है। और विगत सालों से कुछ लोगों की इच्छा थी कि यहाँ जागरण का प्रोग्राम होना चाहिए, इसलिए हम लोग पिछले साल नहीं हुआ था किसी कारणों से, इस बार हम लोग लगातार इस बार भी हम लोग पूजा किए हैं। इसके पिछले साल एक साल छोड़ के इसके पहले भी पूजा हुआ। यहाँ पर नौजवानों का जो है उत्साह बरकरार है, और ख़ास करके सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह के लिए यहाँ पर लोग चाहते हैं कि हमेशा यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम हो। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ख़ास करके सामाजिक कार्य में हमेशा ही संलग्न रहते हैं और सहयोग करते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आगे यहाँ सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो। माँ से कामना करते हैं कि सबके दुख में सुख में माँ हेल्प करे, और लोगों को हमेशा अपना आशीर्वाद दे कि लोग आशीर्वाद के फलस्वरूप सुखी रहें, संपन्न रहें, और लोग यही कामना करते हैं। जागरण का शुभ आरंभ माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए जोत जलाए, माता रानी का जयकारा लगाते हुए माता की प्रतिमा के पास रखकर माता रानी की आराधना करते हुए बाबा गणेश जी की भजनों से शुरुआत किया। बचपन से यहाँ बाबा के पास बुलाते हैं, और ये मंदिर तो जागरण होता ही है। आज 19वां साल है आज मंदिर का, और जागरण भी उन्हीं की कृपा से होता आ रहा है, और बाबा ही करवाते हैं सब कुछ। आप कहाँ से आते हैं? हम यही झरिया से ही आते हैं, विदेश स्कूल के पास से। कहाँ आज आए हुए आप लोग? कहाँ आए हुए आज? माँ के पास आए हुए हैं। कौन दरबार है ये? यहाँ वैष्णो दरबार है। कब से यहाँ आ रहे हैं आप? हम 21 साल हो गया। क्या मनोकामना आपकी पूरी हुई? सब बहुत सब चीज़ से यहाँ पूरा होता है, हमारा तो बहुत पूरा हुआ। माँ में बहुत महिमा है। बहुत बहुत माँ में शक्ति बहुत है। आज जागरण के भी आज जागरण भी हो रही है? हाँ, जागरण 19 साल से हो रहा है, ये 19वां साल है। चलिए ये बताइए कि मंदिर क्या महिमा है? मंदिर का महिमा तगमा अपार है। यहाँ पर माँ ज्वाला के रूप में दर्शन दी थी हम लोग ने,
दर्शन। कितने सालों से यहाँ पर जा रहे हैं आप? 21 साल से आ रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम कितने सालों से की जा रही है? 19 साल से। आपकी मनोकामना यहाँ क्या कभी पूरी हुई है? तो बहुत पूरी हुई है, जब से जुड़े हैं तब से। पूरा विश्वास आपको है माँ? जागरण में दूर दूर से आए हुए दर्शकों ने माता रानी के भजनों पर रात भर झूमते रहे। जागरण के कार्यक्रम करने के लिए कोलकाता, रांची, कतरास, मुगलसराय से गायक गायिका भजनों से सभी के दिल में जगह बनाने जागरण में हर किस्म किस्म की झांकियां प्रस्तुत किए गए। कृष्ण राधा की जोड़ी सबसे ज्यादा लाजवाब दिखी। ये वैष्णो दरबार है, यहाँ 19 साल से रेगुलर यहाँ प्रोग्राम होती है, माता दरबार संस्था है और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे एकत्रित होते हैं और भक्ति भाव के साथ यहाँ पूजन अर्पण होती है और माँ में बहुत शक्ति है, जो भी मुरादें मांगते हैं पूरी होती ही होती है। श्रद्धा सबसे बड़ी बात है और यहाँ के जो हमारे बाबा हैं वो पिछले साल मैं यहाँ आया था तो उनको अच्छा लगा और मैं माता रानी से एकदम एक फैक्ट बात और सच्ची बात बताना है कि पिछले बार मेरे साथ जो पार्टनर आई थी थोड़ा कुछ अनबन हो गया था, मैं संतुष्ट नहीं था काम से, तो इस साल मैं सोचा कि मैं कैसे जाऊं और खुद से जाके बोलूं भी तो नहीं देंगे काम, तो मैंने माता रानी से अर्जी लगाई कि माँ मेरे को हाजिरी बनाना है, इस बार कोई भी प्रोग्राम करने आए उससे हमको मतलब नहीं है, अगर कोई हमको नहीं भी बुलाएगा तो भी जाके मैं 2-3 हाजिरी लगा दूंगा। इतना बोलना भाई साहब आप यकीन करो या मत करो, माता रानी की जय हो। 5 दिन के बाद इधर से भाई का कॉल गया कि भैया आप कहाँ हो, हम बोले मैं घर पे हूँ भाई, मैं वैष्णो दरबार से बोल रहा हूँ। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि आपको कार्यक्रम करना है, यानी उनके पिताश्री जो यहाँ के बाबा है उन्होंने आदेश दिया कि आपको यहाँ करना ही करना है। मैंने इनको कोटि कोटि धन्यवाद किया और मैं यहाँ कार्यक्रम करने आया, मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सुदर्शन के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ कहाँ कार्यक्रम किए हैं आप? अभी तक आसाम, गुवाहाटी, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, रमसम, हर जगह प्रोग्राम होता है। हर एक मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बड़ा इंसान तो नहीं बनाया, बहुत छोटा इंसान हूँ लेकिन कलाकार बनाया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जगहों पे माता रानी का प्रसाद के भी इंतजाम किए गए, बड़े आनंद से माता रानी का प्रसाद को ग्रहण करते दिखे। आपको बता दें कि एक ऐसा ही माँ वैष्णो का भी दरबार है जो सारी मनोकामना पूर्ण पूरी होती है। माँ वैष्णो देवी दरबार का अनेकों महामाया है। यह वैष्णो देवी का दरबार झरिया के बाटा मोड़ में स्थित है। इस वैष्णो देवी दरबार में प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आगमन होता है। बोला जाता है कि यहाँ माँ वैष्णो देवी चेचक के रूप में आई थी। इस दरबार में पूरी पुजारी विजय बाबा के नामों से प्रचलित है। यहाँ पर माता रानी के जागरण 19 साल से मनाए जाते हैं। इस वैष्णो देवी के दरबार में दूर दूर से आए, अन्य दिनों में भीड़ भाड़ बनी रहती है। वैष्णो देवी दरबार में आए सभी श्रद्धालुओं का कहना है कि माँ का महिमा बहुत ही शक्तिशाली है।